शिमला में 3 से 6 जून तक शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल इस बार एक मेगा कार्निवल के रूप में मनाया जाएगा। चलिए रिज मैदान पर होने वाले इस कार्यक्रम का आपको पूरा शेड्यूल बताते हैं। पहले दिन 3 जून को सबसे पहले 4 से 5 बजे तक स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 5 से 6 बजे तक संस्कृति विभाग के कार्यक्रम रहेंगे। 7 से 8 बजे तक स्थानीय हिमाचली कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां होंगी, जबकि 8 बजे से 10 बजे तक 4 स्टार नाइट होंगी। स्टार नाइट में 3 जून को सूफी गायिका ममता मिश्रा व इंडियन आइडल फेम नितिन परफॉर्मेंस देंगे। दूसरी संध्या पहाड़ी गायक विक्की चौहान व अन्य के नाम रहेगी। तीसरी संध्या पर विदेशी छात्र छात्राओं का फैशन शो होगा और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। चौथी संध्या सुष्मिता के नाम रहेगी, जबकि अंतिम संध्या गायक मधु श्री भट्टाचार्य व फरहान साबरी के नाम रहेगी। इस प्रकार ये समर फेस्टिवल इन सब प्रस्तुतियों से रंगारंग कार्यक्रम में बदल जाएगा। शिमला प्रशासन की इस फेस्टिवल को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चलिए देखते हैं प्रेस वार्ता के दौरान शिमला उपायुक्त ने क्या बताया। इन सब के अलावा इस बार हमारा प्रयास है कि सभी वर्गों को, आयु वर्ग हैं या महिला वर्ग है, पुरुष वर्ग है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबको पार्टिसिपेट करवाया जाए, सबको हम इसमें वो लुत्फ उठाए। तो उस प्रयास के अंतर्गत हम कार्निवल के रूप में इसको जो है शिमला इंटरनेशनल शिमला समर फेस्टिवल को आयोजित करने जा रहे हैं। जैसे नाटी का मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो मॉल के ऊपर होगी, वो रिज के ऊपर होगी, वो मंच के ऊपर नहीं होगी। बहुत बड़ा प्रयास है। उसके अतिरिक्त हमारे जैसे बैंड कंपटीशन है, आर्मी पुलिस पैरामिलिट्री, तो वो बैंड्स पार्टिसिपेट करेंगे। डेट वाइज कैलेंडर हम अलग से जारी कर रहे हैं, काफ़ी पब्लिसिटी भी करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे भजंतरी हैं हिमाचल के पारंपरिक वाद्य यंत्र, उनका भी एक कंपटीशन होगा। जैसे बैंड कंपटीशन आर्मी पुलिस वगैरह का है, वो भी एक कंपटीशन होगा। एक यूथ रॉक बैंड कंपटीशन, उसका आयोजन गेटी थिएटर के अंदर होगा, बाकी बाहर होगा। एक और मैं बताना चाहूँगा कि रिज के अतिरिक्त, जैसे कि आमतौर पर ये भी है कि बहुत दबाव ना हो रिज के ऊपर और जगह भी कम है, प्रेशर भी ज़्यादा है, तो इसको सारी तरफ स्प्रेड किया जाए। तो जैसे हमारा आइस स्केटिंग रिंक है, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, टक्का बेंच है, या दौलत सिंह पार्क है, या पद्मदेव कॉम्प्लेक्स है, और खादी आश्रम के ऊपर जगह है, सीटीओ के पास है, तो उन सब स्थानों को हम टाउन हॉल के आगे हमारा जो प्लाजा है सीटीओ इसके पुलिस रिपोर्टिंग रूम के साथ, उन सब स्पेस त्रिशूल बेकरी के साथ, उन सब स्पेसेस को हम यूटिलाइज करेंगे। और जो पूरा दिन जो है, स्पेशली लंच के एकदम बाद और कुछ आइटम्स लंच से पहले भी, चारों दिन जो हैं वो प्रदर्शित की जाएंगी, ताकि जो हमारे लोकल्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो डायरेक्टली उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। एक स्पोर्ट्स का हम इस बार आयोजन कर रहे हैं 6 गेम्स के अंदर, जो इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा। एक 5 स्टेट्स नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के पूरे 5 कॉर्नर्स के देश से, जैसे गुजरात का है हमारा डांडिया है, या कोई असम का बिहू है, कश्मीर का रॉफ है, तेलंगाना है, तो इस मध्य प्रदेश है जो हार्ट ऑफ इंडिया है, 5 रीजन से हमारे कल्चर ट्रूपेज आएंगे। 5 दिन वो लगातार मॉल पे जगह जगह आइटम्स प्रदर्शित करेंगे और कार्निवल प्रोसेशन में भी चलेंगे। हिमाचली फिल्म्स का फेस्टिवल पहली बार हम कराने जा रहे हैं, जिसमें 7 फिल्में जो हैं प्रदर्शित की जाएंगी रिट्स थिएटर में और गेटी थिएटर में, और उसके अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, वो भी उनको दिखाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था में ऐसा है, मैं बताना भूल गया था कि एक हम ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट कर रहे हैं, 2 सेक्टर्स में इसको बांट रहे हैं। ये जो हमारा रिज और उसका लेफ्ट पोर्शन एक सेक्टर हो गया, माल वाला दूसरा सेक्टर हो गया, तो 2 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स होंगे। और SP साहब के हम वी आर ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने जितने भी हमारे जो पॉइंट्स हैं उन सब के ऊपर पुलिस की व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। बसों में जैसा लेडी कॉन्स्टेबल्स या महिलाएं आएंगे, वो भी हम जैसे स्पेशल बसेस की रिक्वेस्ट आई है तो लेडी कॉन्स्टेबल्स वगैरह उपलब्ध रहें, तो ये सब हम सुरक्षा का भी पूरी व्यवस्था जो है। समर फेस्टिवल 3 तारीख से 6 तारीख तक जो है शिमला में आयोजित किया जा रहा है। उससे पहले 27 तारीख से वैसे तो हमारे ऑलरेडी काफ़ी एक्टिविटीज़, जैसे स्कूली बच्चों की पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स या फ्लावर शो, फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट वगैरह, क्विज वगैरह, वो तो शुरू हो ही गया है। पर 3 तारीख से जो है जो जितनी कल्चरल आइटम्स हैं वो आयोजित की जाएंगी। 3 तारीख को एक महानाटी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 600 हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं शिमला ज़िला की, जो कि एक नाटी जो है रिज के ऊपर उसका प्रदर्शन करेंगी। और उसके बाद जैसे हमारा रोज़ 4 से लेकर 10 बजे तक जो मंच जो है रिज पे, जो मुख्य मंच है
उसके ऊपर सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होंगी, सबसे पहले स्कूली बच्चों की, उसके बाद स्थानीय और जो हिमाचली कलाकार हैं, और उसके बाद स्टार नाइट्स। जो हमारी स्टार नाइट्स हैं, पहला दिन जो है वो नितिन जो हैं इंडियन आइडल फेम के ऊना से, जो कि हिमाचल का गौरव है, वो पार्टिसिपेट करेंगे, और डॉक्टर ममता मिश्रा वो एक बड़ी लीडिंग सिंगर है कंट्री की सूफी गायन से। दूसरा दिन जो है वो हमारा हिमाचली स्टार्स के नाम रहेगा, जिसमें प्रदेश के जितने भी नामी कलाकार हैं, जैसे विक्की चौहान हैं या नरेंद्र ठाकुर हैं या जितने भी हमारे लीडिंग नेम्स हैं, वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरा दिन जो है उसमें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जैसा नाम है, तो हमारे काफ़ी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं हिमाचल में यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनको हम पार्टिसिपेट वो कर रहे हैं। एक तो उनका फैशन शो होगा, उनके कंट्रीज़ के कल्चर को डिपिक्ट करते हुए कल्चरल आइटम्स होंगी, और उसके बाद पंजाबी एक लीडिंग गायक जो है, जो अभी नाम आज वो फाइनलाइज किया जाएगा, उनका गायन होगा। और 6 तारीख जो है, जो अंतिम संध्या है, वो 12 बजे तक होगी। उसमें हमारे जैसे शुरू में हिमाचली कलाकार, लोकल गायक, उसके बाद जो है हमारे गीता भारद्वाज हैं, और हमारे 2 लीडिंग बॉलीवुड सिंगर्स, काफ़ी फेमस सिंगर्स हैं वो, एक तो मधुश्री भट्टाचार्य और एक फरहान साबरी, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, उस तरह की मूवीज़ के फेम के वो अपनी जो है प्रतिभा जो है उसको प्रदर्शित करेंगे। अर्थ प्रकाश के लिए शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।